सवाई माधोपुर में एसीबी ने लोक अभियोजक को 3,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। मामले की जानकारी देते हुए एसीबी के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भैरवलाल मीणा ने बताया कि परिवादी गोपाल सिंह राजावत ने पॉक्सो एक्ट में बेटे की जमानत करवाने की एवज में रिश्वत मांगने की शिकायत एसीबी को दी थी। इस पर एसीबी ने योजना के अनुसार कार्रवाई करते हुए रिश्वतखोर लोक अभियोजक हिम्मत सिंह राजावत को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल एसीबी आगे की कार्रवाई में जुट चुकी है। दिनांक 10/5/2019 को हमारे कार्यालय एसीबी सवाई माधोपुर में परिवादी गोपाल सिंह उपस्थित है। उनके साथ उनका मित्र संतोष भी था। उन्होंने बताया कि मेरा लड़का गंगापुर सिटी के थाने के किसी मुकदमे में जेल में बंद है, उसकी जल्दी जमानत करवाना के लिए हम पीपी साहब से मिले करीब 2 महीने पहले। तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारी लड़के की जल्दी जमानत करवा दूँगा और गवाहों को भी तुम्हारे पक्ष में करवा दूँगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें 10,000 देने होंगे। उन्होंने 3,000 रुपये हमसे उसी टाइम ले लिए, बाकी बाद में देने की बात थे हुई। तो हमने इनको 3,000 रुपये पर हमारा जो ऐसी प्रक्रिया है उन पर केमिकल लगवा के भिजवाया, इनको 3,000 रुपये में ले लिए और अपनी जेब में रख लिए। और हम एसीबी को इशारा किया, इशारा मिलने पर मैं अपनी टीम के इनके पास आया और इनसे रिश्वत राशि बरामद होगी और कार्रवाई जारी है।